SCO के लिए इन्विटेशन भेजना नरेंद्र मोदी जी को, और अगर उन्होंने बातचीत नहीं करनी और पाकिस्तान को टाइट करके रखना है और सेसेशन मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और यहाँ बाद अमनी फैलानी है एंड सो ऑन, तो फिर आप समझ ही लें क्या होगा। बिल्कुल, ये जो कश्मीर का मुद्दा है वो तो जो होना था, जो करना था हमने वो कर दिया, अब उस पे जो है वो बात नहीं हो सकती। यानी आप ज़हनी तौर पे शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं कि इस जो डिप्लोमेटिक जो हमारी एंगेजमेंट है इसमें हमारा रोल खत्म हो गया। ये अब जब खत्म कर चुके तो आपके पास ऑप्शन क्या है? बाकी मुल्कों की तरह कहेंगे ठीक है जी, इंडिया एक रीजनल पावर है और हम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दैट पावर उसकी सुप्रीमेसी जो है उसको तस्लीम करते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली अपना जो उसका एक सर्कल ऑफ जो था एंगेजमेंट उसको कंप्लीट करके, तो मैं तो कहूंगा कि फाइल ही क्लोज कर को, अब हम आपको और कमजोर करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम रिएक्ट करेंगे। हाँ, और कश्मीर पे पाकिस्तान ने टोटल सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर, जो सरेंडर होता है दस्तबरदारी जिसको सरेंडर कहते हैं, वो बाकायदा ऐलानिया तौर पे कर दिया है। क्योंकि इससे ज्यादा इस तरह की जो डिप्लोमेटिक एरिनाज होते हैं उसमें आप इससे ज्यादा कोई ओपन लैंग्वेज इस तरह के इश्यूज पे जाहिर है यूज भी नहीं करते। SCO के लिए इन्विटेशन भेजना नरेंद्र मोदी जी को, और फिर उसके बाद ये इवेंट्स होना बलूचिस्तान के, और अब ये जवाब। देखिए, लोग पूछते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम आएगी कि नहीं आएगी जी। इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं आएगी अगर नरेंद्र मोदी कहेगा नहीं जाना। अगर नरेंद्र मोदी ने अगर बातचीत शुरू करनी है तो वो SCO भी आएंगे और उधर क्रिकेट टीम भी आएगी, और अगर उन्होंने बातचीत नहीं करनी और पाकिस्तान को टाइट करके रखना है और सेसेशन मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और यहाँ बाद अमनी फैलानी है एंड सो ऑन, तो फिर आप समझ ही लें क्या होगा। बिल्कुल, जयशंकर के लहजे में आज उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पानी फेर दिया, उन्होंने कहा जी ये SCO और ये बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें कर रहे हैं। कश्मीर इज डन, द इशू ऑफ कश्मीर इज डन, आपने कोशिश कर ली, आप फेल हो गए, हम कामयाब हो गए, अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम आपके साथ बातचीत करें या आपको, अब हम आपको और कमजोर करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम रिएक्ट करेंगे कि इंडिया की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने ये अब कैटेगोरिकली कहा है, बाकायदा कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ अन इंटरप्टेड डायलॉग दैट इज एंडेड, अब उसका कोई चांस नहीं है। तो एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर ये जो अन इंटरप्टेड डायलॉग है ये तो काफी अरसे से अगर आप देखें तो हो भी नहीं रहा था, क्योंकि एक तो SCO है उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इन्विटेशन मिला है लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान इंडिया जो डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हो रही हैं कि ये बहुत बड़ा गैप आ गया है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, किसी तरह की कोई रिलेशनशिप जो है उसको इक्वल फुटिंग पे आगे चलाने के लिए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये वो स्टेज अब गुजर गया है, जो इनिशियल स्टेजेस थे जिन पे डिफरेंट फोरम्स पे पाकिस्तान एंगेज कर सकता था इंडिया के साथ, वो उसने जो है वो टाइम गुजार दिया। अब वो सारे फोरम्स पे हुआ, वो किसी भी सतह पे हो, उन्होंने स्पेशली जो ग्लोबल साउथ के हवाले से या इंडो पैसिफिक के हवाले से जो पॉलिटिक्स हो रही है ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाले से जो चाइना के साथ, तो उसमें जो है वो इंडिया ने एक सॉलिड पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली है। अब वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क के कहने पे या उसकी किसी रिजर्वेशंस को सामने रखने के बाद उसमें किसी तरह की तब्दीली की गुंजाइश तो मुझे नजर नहीं आती, इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका जो अहम तरीन मतलब था, जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि 370 के बाद इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। इन अल्फाज में नहीं लेकिन इसका मतलब यही है। सर उन्होंने, अगर आप मुझे इजाजत दें, उन्होंने साथ उसके अंदर ये भी आगे कहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो तो जो होना था, जो करना था हमने वो कर दिया, अब उस पे जो है वो बात नहीं हो सकती, ये बात उन्होंने की है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि 370 के बाद
क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से भी करना था, वो उसको ऑन करते डिसऑन करते या उसको बुनियाद बना के तो अगला जो है वो कदम उठाते कि चलें ठीक है आपने ये कर लिया तो हम अब इस बुनियाद पे इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। उसमें पाकिस्तान ने जो पोजीशन इख्तियार की वो टोटली अनडिप्लोमेटिक और अनवारंटेड किस्म की पोजीशन थी, जो बुनियादी तौर पे आप अपने आप को इंटरनेशनली एक्सपोज करते हैं एक ऐसी शक्ल में डिस्प्ले करते हैं कि आपके पास ना कोई कुछ करने की ताकत है ना कैपेसिटी है और ना विलिंगनेस है, यानी आप ज़हनी तौर पे शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं कि इस जो डिप्लोमेटिक जो हमारी एंगेजमेंट है इसमें हमारा रोल ख़त्म हो गया। ये अब जब ख़त्म कर चुके तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पर दूसरा लड़ाई होता है ना, जब आप बातचीत डायलॉग को बंद कर देते हैं तो लड़ाई से तो आपने बहुत पहले जो है वो तौबा पढ़ ली थी। ये जो है वो बाजवा डॉक्ट्राइन से भी पहले, कियानी डॉक्ट्राइन बल्कि उससे पहले जो है एक बाकायदा आप लोगों ने तस्लीम किया, और अगर आप ना भी तस्लीम करते तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वाच डॉग हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उन्होंने आपके सामने टेबल पे फैक्ट्स और फिगर्स रखे कि आप जो है वो इस तरह की किसी भी एडवेंचर में जो है वो इंडिया के साथ नहीं जा सकते, ना आप लड़ सकते हैं, ना आप बातचीत कर सकते हैं, ना आपके अंदर इतनी जो है वो मॉरल और एथिकल जो है वो हिम्मत है कि आप अपने अवाम के सामने जाके तो उनको अतमाद में लेके तो कोई नया डिप्लोमेटिक जो ओपनिंग करें। तो फिर इसका मतलब है कि आपने इंडिया की जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग एज वेल एज जो रीजनल पोजीशन है उसको तस्लीम कर लिया। अब सवाल बाकी ये रह गया कि आप बाकी मुल्कों की तरह कहेंगे ठीक है जी इंडिया एक रीजनल पावर है और हम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दैट पावर उसकी सुप्रीमेसी जो है उसको तस्लीम करते हैं और उसके बदले में हमें ये तहफात हैं, तो फिर बात बने कि आप कर रहे हैं कोई डिप्लोमेटिक ओपनिंग। ये जो है पड़ोसियों के साथ रूठ के तो बैठने का जो अमल है ये इस वक्त आपने जारी रखा हुआ है, जिसमें इंडिया ने सक्सेसफुली अपना जो उसका एक सर्कल ऑफ जो था एंगेजमेंट उसको कंप्लीट करके, तो मैं तो कहूँगा कि फाइल ही क्लोज कर दी। अब अगर आप ये फाइल खोलेंगे तो जैसा कि उन्होंने कहा तो वो डेफिनेटली उसके खिलाफ जो है वो उसी सतह पे रिएक्ट करेंगे। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल सिंपल केस जो है वो बन गया है, और कश्मीर पे पाकिस्तान ने टोटल सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर, जो सरेंडर होता है दस्तबरदारी जिसको सरेंडर कहते हैं, वो बाकायदा ऐलानिया तौर पे कर दिया है। क्योंकि इससे ज़्यादा इस तरह की जो डिप्लोमेटिक एरिनाज होते हैं उसमें आप इससे ज़्यादा कोई ओपन लैंग्वेज इस तरह के इश्यूज पे ज़ाहिर है यूज़ भी नहीं करते, चूँकि आपको अपने अवाम की तरफ से भी खौफ है, जिनको आपने बहुत बुरे तरीके से बिट्रे किया, उनको धोखा दिया, उनको अंधेरे में रखा, और अंडर द टेबल जो है आपने अपने सारे मामला तय करके तो आप जनाब घूम फिर रहे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।